हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR.Work। तो गाइस, आज आपके लिए लेके आया हूँ जम्मू शेपर्ड के पप्पी। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पप्पी हैं। और गाइस, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 मार्च, मतलब कि कुछ बच्चे हमारे पास 1 मार्च को हुए थे और जो ज़्यादा बच्चे हैं वो 2 मार्च को हुए थे। तो 2 मार्च गाइस इनकी डेट ऑफ बर्थ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं हमारे पास, जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट। और जो फादर है वो बहुत अच्छी विनिंग कर रखी है गाइस। और बच्चे गोलू गोलू है, आप देख सकते हो, दिखाओ बच्चे, जूम कर दे, ये आप देख सकते हो, फुल लॉन्ग कोट एंड फुल हैवी और फुल शो क्वालिटी। जो गाइस ये जो मतलब कि हमारी पपीज की मदर है ना, उसकी ब्लड लाइन में आपको बताता हूँ। तो उसकी ब्लड लाइन है गाइस, वो है 10 टाइम इंडियन चैंपियन मैक्स है। उसकी डॉटर है ये, गुरविंदर सराव भैया पे है वो, तो उसकी डॉटर है डायरेक्ट ये। और जो हमारे पास बच्चे हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो इन बच्चों का फादर है उसका नाम है क्वार्ट्ज मोंटेड ब्लैरो। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डॉग है, लॉन्ग कोट डॉग है। और उसकी बहुत अच्छी रेटिंग है और बहुत ही अच्छी विनिंग कर रखी है उस डॉग ने। और आप देख सकते हो क्लियर कलर जो करते हैं और आपके सामने है बच्चे। और गाइस, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको मैंने बता दी है और जो इनकी एज है जस्ट आज जो ये है 26 डेज के हुए हैं। और बच्चा बहुत हेल्दी है और एक्टिव है। और गाइस, बच्चे ज़्यादा थे बट फिर भी हमने पूरे अच्छे से संभाले हैं। और इसमें से हमने कुछ बच्चे, एक या दो बच्चे इसमें से रिटेन करना है गाइस। और जिसको वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना। और वीडियो का मतलब कि बताने का मोटिव ये है कि हमारे पास जो मतलब ब्लड लाइन है, अच्छी ब्लड लाइन है और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, बहुत बढ़िया ब्लड लाइन है। लाइक जो इसकी डॉटर्स हैं, 3 हमने तैयार करी थी, शॉर्ट कॉट की बचिए थी हमारे पास 3, तो उनमें से मैंने एक सेल कर दी थी बड़ी, उसको फुल ट्रेन करके। और जो 2 बच्ची हैं वो हमारे घर पे हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको। उनमें से एक बच्ची है वो 7 टाइम GP1 लग चुकी है और 1 टाइम SG1, इसी की डॉटर है वो। और अंडर SV जज, जितने भी मतलब कि फॉरनर के जज आए थे इंडिया में, हमने उनके नीचे शो करी थी, मतलब कि 5-6 जज थे उनके नीचे हमने शो करी गई। तो उसमें VP1, मतलब कि 10 या 12 फीमेल्स में VP1 आती थी जो इसकी बच्ची थी। और आगे ये बच्चे हैं और ज़्यादा हमारे पास ओनली फॉर मेल पपीज अवेलेबल है। और गाइज, आपके सामने है क्वालिटी, आप देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी के पप्पी हैं। और इसको भी मतलब कि इन बच्चों में से भी हम 1 या 2 बच्चा शो करेंगे गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना। और बच्चे आपके सामने आए, जूम कर बच्चा दिखा, और बच्चे आपके सामने आए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पप्पीज़ हैं, अवेलेबल हैं अम्बाला हरियाणा में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना HR.Work। और मैं आपको एक आधा बच्चा और निकल दूँगा इस, आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा हैवी है। और ये बच्चा भी आप देख सकते हो, और भी रखता हूँ ये बच्चा देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पप्पीज हैं और लॉन्ग कोटेड है गाइज। अभी तो इनकी एज भी कुछ नहीं हुई है, कम से कम 45 डेज में दिखेंगे बहुत खूबसूरत। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना HR.Work। तो गाइज, आप देख सकते हो पपीज, और पपीज की जो ये मदर है वो इनके पास ही है और विद KCI रजिस्टर्ड है। और अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं हमारे पास गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना एंड शेयर करना। और ये बच्चा आप देखो, फुल गोलू मोलू आपके सामने है। और ओके, बाय फ्रेंड्स, ओके।